आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारतीय वायुसेना का दावा, बालकोट से पहले 2002 में भी भारत ने की थी एयर स्ट्राइक। कांग्रेस की सभी समितियां भंग की गई, कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में। सांसद प्रज्ञा सिंह के जरिए गुलाम नबी आजाद का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी कार्रवाई करें। बदला मौसम का मिजाज तो कथा और गद्दी छोड़कर भागे कथावाचक मुरलीधर महाराज। और मध्य प्रदेश के बजट को लेकर मंथन, वित्त मंत्री भनोट ने कहा बजट में कोई नया कर नहीं। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने दावा किया है कि बालकोट से पहले भी एयर स्ट्राइक हुई है। साल 2002 में की गई इस एयर स्ट्राइक में लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया था। यह एयर स्ट्राइक 2 अगस्त 2002 को की गई थी। वायुसेना प्रमुख ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि मैं आपको बता दूं कि बालाकोट के बाद पाकिस्तान हमारे एयर स्पेस में नहीं आया था। हमारा उद्देश्य आतंकी कैंपों को निशाना बनाना था और पाकिस्तान की नजर हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की थी। हमें अपने उद्देश्य में कामयाबी मिली, लेकिन पाकिस्तान एलओसी क्रॉस नहीं कर पाया। कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरा होने पर एयरफोर्स ने एक और दावा किया कि कारगिल युद्ध के बाद 2002 में भी भारतीय वायुसेना ने एलओसी क्रॉस कर आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया था। वायुसेना ने ग्वालियर के महाराजपुरा एयरबेस पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल 2002 में की गई इस एयर स्ट्राइक में लेजर ग्रेनेड बमों का इस्तेमाल किया गया था। यह 2 अगस्त 2002 को एयर स्ट्राइक की गई थी। संसद पर हमले के बाद साल 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान यह एयर स्ट्राइक की गई थी। मेजर आपको ये देखने वाली बात होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था। हमारा ऑब्जेक्टिव बालाकोट में स्ट्राइक करने का था, जो हम अचीव कर चुके हैं। उनका ऑब्जेक्टिव हमारे आर्मी के ठिकानों पे स्ट्राइक करने का था, वो नहीं कर सके। अजय, दैट इज द बॉटम लाइन। आपने कैसे किया, कितने आए, कहां गए, किस तरह का कॉम्बैट हुआ, बट आपको स्टेटेड आपका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है आपने अचीव किया कि नहीं किया। वी अचीव्ड अ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, दे डिड नॉट अचीव अ मिलिट्री देयर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एंड नन ऑफ देम, लेट मी टेल यू, क्रॉस्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल इनटू आवर टेरिटरी। कारगिल युद्ध में मिली ऐतिहासिक जीत के 20 साल पूरा होने पर भारतीय वायुसेना जश्न मना रही है। ग्वालियर के महाराजपुरा एयरबेस पर ऑपरेशन विजय का बड़े ही अनूठे अंदाज में जश्न मनाया गया। कारगिल युद्ध के दौरान जिस तरह टाइगर हिल पर भारतीय सेना को जीत मिली थी, उसे याद करने के लिए एयरबेस पर वैसी ही एक डमी चोटी बनाई गई और युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए लड़ाकू विमानों के जरिए एक बार फिर इस दुर्गम चोटी पर भारतीय सैनिकों ने चढ़ाई की और फिर तिरंगा लहराया। इस दौरान एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। वहीं सोमवार को कांग्रेस के आला नेताओं ने सभी समितियों को भंग कर दिया है। संभावना है कि अगले हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी अध्यक्ष के पद को लेकर निर्णय करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग में राहुल गांधी को पद पर बने रहने के लिए मनाने की आखिरी कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ने 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 25 मई को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अपने पद से हटने की इच्छा जताई थी। हालांकि सीडब्ल्यूसी ने गांधी के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन राहुल गांधी अभी भी अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि साल 2014 में 44 सीटों के मुकाबले पार्टी को 8 सीटें ज्यादा मिली थी। बावजूद इसके कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। खुद राहुल गांधी भी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हार गए।
हालांकि वायनाड से उन्हें जीत नसीब हुई। पार्टी को मिली इतनी बड़ी हार के बाद से ही राहुल गांधी लगातार पद छोड़ने के निर्णय पर अड़े हैं। इससे कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। सोमवार को कांग्रेस के आला नेताओं ने सभी समितियों को भंग कर दिया है। संभावना है कि अगले हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी अध्यक्ष के पद को लेकर निर्णय करेगी। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बचाने के लिए बीजेपी पर हमला किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक ओर तो बीजेपी गांधी जी के जन्म की 150वीं जयंती मनाने जा रही है, लेकिन साथ ही जिस शख्स ने सार्वजनिक रूप से बापू के हत्यारे की तारीफ की उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये कैसे संभव है और कोई इसे कैसे डिफेंड कर सकता है? गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस साल हम बापू का 150वां जन्मदिन मना रहे हैं, ये गौरव की बात है। साथ ही साथ मुझे अफसोस होता है कि जिस साल हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं उसी साल सत्ताधारी पार्टी से कुछ ऐसे सांसद चुनकर आ रहे हैं जो गांधी के हत्यारों की सराहना कर रहे हैं। एक कैंडिडेट ने कहा कि जिस शख्स ने बापू को मारा वो देशभक्त था, उस शब्द को दोहराते हुए मेरी जुबान जल जाएगी। बीजेपी का कैंडिडेट ये कहे कि गांधी को मारने वाला देशभक्त था, मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत है कि आपको उसी वक्त पार्टी से उसे डिसमिस कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये हमारा कैंडिडेट नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन के बीच में ये कहे कि गांधी को मारने वाला पेट्रियार्ट था, वो कातिल नहीं था। और माननीय प्रधानमंत्री जी से शिकायत है मेरी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको उसी वक्त पार्टी से उसका डिसमिस कर देना चाहिए था और कहना चाहिए था ये हमारा कैंडिडेट नहीं। आजाद मध्य प्रदेश के भोपाल से चुनी गई सांसद साध्वी प्रज्ञा का जिक्र कर रहे थे। प्रज्ञा ने कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को मात दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान यह विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह ऐसा बयान देने वालों को कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन साथ ही वे राष्ट्रपिता भी थे। इस राष्ट्रपिता के हत्यारे को देशभक्त कहने वाले शख्स पर कोई कार्यवाही ना हो इस पर क्या कहा जा सकता है? गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी के पास अभी भी मौका है कि वो इस पर 2 अक्टूबर से पहले कार्रवाई करे, नहीं तो ये दाग सत्ताधारी पार्टी पर हमेशा लगा रहेगा। मायावती इन दिनों लोकसभा चुनाव के परिणामों पर मंथन कर रही हैं। मायावती को अब इस बात का एहसास हो गया है कि समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन करना एक बड़ी भूल थी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा सपा गठबंधन को मिली हार के बाद से ही दोनों दलों के बीच खींचतान नजर आने लगी थी। बड़ी हार के बाद दोनों ही पार्टियों ने विधानसभा उपचुनाव अलग लड़ने की घोषणा तक कर दी थी। अब एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का दर्द गठबंधन को लेकर सामने आया है। मायावती ने बसपा विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने समाजवादी गठबंधन को लेकर लंबी चर्चा की और उसे लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह बताया। बैठक को लेकर सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती ने यहां तक कहा कि समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव में गठबंधन करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन का फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच विचार कर किया गया था, लेकिन जो नतीजे आना चाहिए थे वे सामने नहीं आ सके। इसकी वजह उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं द्वारा बसपा के उम्मीदवारों को सहयोग न करने की भी बताई। मायावती ने अखिलेश यादव को गठबंधन के लिए पूरी तरह अपरिपक्व बताया। साथ ही कहा कि मैंने उन्हें आगाह किया लेकिन वे समझ नहीं सके और उनकी पार्टी से भीतरघात होता रहा। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ और वित्त मंत्री तरुण भानोट के बीच लंबी मंत्रणा हुई। तरुण भानोट ने कहा कि इस साल कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बजट को लेकर सीएम कमलनाथ और वित्त मंत्री तरुण भानोट और अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री तरुण भानोट ने कहा कि इस साल कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, नया कर लगाया भी गया तो आम जनता को असर ना हो ऐसी जगह कर लगेगा। बजट में किसानों, लोअर मिडिल क्लास और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम खजाने को भी मैनेज करेंगे और किसानों का भी कर्ज माफ करेंगे। केंद्र सरकार को जिस प्रकार से राज्य की मदद करना चाहिए वो करे, क्योंकि देखने में ये आया और ये बात हमने जो सभी आदरणीय वित्त मंत्रियों की बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय के साथ इसको भी उठाई कि मध्य प्रदेश का हित का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़ी
जनसंख्या ट्राइबल की और एससी वर्ग के लोगों की हमारे प्रदेश में है, और ख़ास तौर पर जो कहने को तो ये किया गया था कि वोटिंग फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद में जो स्टेट का शेयर था वो 32 से 42% बढ़ाया गया था, पर दूसरे हाथ से ले लिया गया कि जो केंद्र की ऐसी योजनाएं थी आईबीसी आईडी थोड़ी सी थी, हमें सब्सिडी मिलती थी या जो 100% या 90% तक भार वो लेते थे उसको 60-40 और कई जगह 50-50 कर दिया गया, उसे और ध्यान आकर्षित किया है। जल अधिकार अधिनियम को लेकर भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जल संरक्षण को लेकर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और राय को प्रेजेंटेशन के माध्यम से सामने रखा। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार का यह सराहनीय कदम है और इसको कॉन्ट्रैक्टर के बजाय जल भागीदारी से किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जल अधिकार अधिनियम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भोपाल में जल अधिकार अधिनियम को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि पानी सबका मौलिक अधिकार है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां राइट टू वाटर कानून बनने जा रहा है। कार्यशाला में आए विभिन्न राज्यों से विशेषज्ञों ने पानी के संरक्षण हेतु अपनी राय दी। जल पुरुष नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह ने पानी को बचाने एवं संरक्षण हेतु सुझाव दिए। मैंने कार्यशाला में ये भी कहा कि देखिए कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना वो अपने लाभ के लिए काम करता है, वो केवल प्रॉफिट के लिए करता है, वो शुभ के लिए नहीं करता। इसलिए यदि पानी का काम देखना है तो पानी का काम किसी एक का नहीं है, पानी का काम साझा है, सबका है। तो यदि सबके भले का कानून बनाना है तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर फ्री कानून रखना होगा। कॉन्ट्रैक्टर फ्री कानून होगा और कम्युनिटी ड्रिवन कानून होगा तो मध्य प्रदेश का शुभ होगा, मध्य प्रदेश के भले का होगा, मध्य प्रदेश पानीदार बन सकेगा। वक्ताओं ने कहा जल अधिकार सरकार की बहुत अच्छी सोच है। जल संरक्षण हेतु जो भी कार्य किए जाएं वो जन भागीदारी से होने चाहिए। इस योजना को कॉन्ट्रैक्टर से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि जहां कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वहां लाभ के बारे में सोचा जाएगा और प्रोजेक्ट को सफलता नहीं मिलेगी। राजेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र राजस्थान सहित कई राज्यों के अपने अनुभव साझा किए। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामकथावाचक मुरलीधर पंडाल में कथा सुना रहे थे, अचानक मौसम का मिजाज बदल गया तो कथावाचक का मिजाज भी बदल गया और उन्होंने कथा छोड़कर पंडाल से बाहर आना ही मुनासिब समझा। गद्दी छोड़ते छोड़ते उन्होंने सभी से पंडाल के बाहर आने की अपील की, लेकिन तब तक पंडाल धराशायी हो गया और 16 लोगों की मौत हो गई। राम कथा सुनने के लिए पहुंचे 2000 लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वे किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल कस्बे में रविवार शाम को तेज हवा और बारिश के दौरान राम कथा का पंडाल गिर गया और पंडाल गिरते ही बिजली का करंट फैल गया। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई और 55 घायल हो गए। अधिकांश लोगों की मौत बिजली का करंट लगने से हुई। इस तूफान के शुरुआत होते ही कथावाचक ने अपनी गद्दी छोड़ दी। कथावाचक मुरलीधर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे भजन कर रहे थे, लेकिन तेज हवा और तूफान को देखते हुए कहने लगे कि कथा बीच में ही बंद करनी होगी, लेकिन इतने में उनके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। वे गद्दी से उठते हुए लोगों से कहते हैं कि बाहर निकलो, टेंट उड़ रहा है, और देखते ही देखते उनके चेहरे पर मंजर खौफ साफ नजर आता है। बहुत तेज है, कथा को रोकना पड़ेगा, बहुत तेज है, पंडाल उड़ रहा है, लोग खाली कर दीजिए, निकलिए बाहर, सभी बाहर निकलिए, देखिए पंडाल ऊपर हो रहा है, आप लोग। घटना इस तेजी के साथ घटी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। इस मामले में कथा आयोजकों की गलती भी सामने आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ितों का हाल जाना और कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, हम सभी इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। गहलोत के अलावा जसोल की घटना के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी पहुंचे।
भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाएगी। धारा 370 को लेकर देश में इस समय जोरदार बहस चल रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 66वीं पुण्यतिथि पर विजयनगर चौराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे। विजयवर्गीय ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जम्मू कश्मीर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जानी चाहिए, ये अलगाववादी धारा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये धारा लगाई थी, लेकिन अब केंद्र की भाजपा सरकार इसे हटाएगी। उधर विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे, अब उसे यह धारा हटानी चाहिए। 10 माह से किराए का भुगतान ना होने से नाराज आंगनबाड़ी भवन के मकान मालिकों ने भवन से बच्चों को बाहर कर ताला जड़ दिया। अधिकारियों और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते नन्हे मासूमों को भारी धूप में सड़क पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। निचले सिस्टम के हालात यह हैं कि कलेक्टर को मामले की जानकारी तक मुहैया कराना उचित नहीं समझा जा रहा। मंदसौर के कई इलाकों में किराए के भवनों में चल रही आंगनबाड़ियों पर मकान मालिकों ने ताले जड़ दिए हैं और नन्हे बच्चों को बाहर धूप में बिठा दिया। मंदसौर जिले में 1687 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 450 किराए के भवन में चल रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कई बार अपने अधिकारियों को मामले से अवगत कराया, लेकिन लापरवाह सिस्टम के चलते आज नन्हे मासूमों को सड़क पर बैठने को मजबूर कर दिया। गौरतलब है कि शहर में करीब 152 आंगनबाड़ियां संचालित की जा रही हैं, जिनमें तकरीबन 112 आंगनबाड़ियां किराए के भवन में संचालित की जा रही हैं, लेकिन पिछले कई माह से मकान मालिकों को प्रशासन द्वारा किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा था। कुछ माह तक तो मकान मालिकों ने नन्हे बच्चों की खातिर किराया नहीं मिलने पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जब 10 माह का किराया नहीं मिला तो मकान मालिकों ने ताले जड़ दिए। खास बात यह रही कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ताला जड़ने की जानकारी अपने अधिकारियों को दी गई तो जवाब भी हैरान करने वाला था। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों को बाहर धूप में ही बिठाने के मौखिक निर्देश दे दिए। निचले सिस्टम के हालात ये हैं कि जिला कलेक्टर को मामले की जानकारी तक मुहैया कराना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि 10 महीने से मकान का किराया नहीं आया है, तो इनने चाबी ले ली और बाहर बिठाने को बोल दिया है। तो बाहर भी कैसे बिठा सकते हैं बच्चों को, धूप है, बाहर ही बिठ के खाना खिलवाया इन बच्चों को, तो ऐसा क्या कब तक चलेगा, फिर कहाँ लगाए, 10 महीने हो गए हैं। हाँ बोला है, हमारे सुपरवाइजर को भी बोला तो उन्होंने यही बोला है कि नहीं आए तो बाहर बिठाओ, पर बाहर कहाँ बिठा सकते, अब उनको भी साथ देना चाहिए ना हमारा। तो हमारे सुपरवाइजर है वो, उनको ही बोला था मीटिंग में कल परसों ही, तो उन्होंने यही बोला कि जिसके मकान मालिक नहीं मानते तो बाहर बिठाओ, पर बाहर कहाँ बिठा सकते, ये रोड है, कहीं किसी के चौक हो तो वहाँ बिठा देते हैं, या रोड पर थोड़ी ना बिठा सकते क्या बच्चों को, पर यहीं बैठ के खाना खिलाया हमने बच्चों को अभी। तो वर्षों से चल रही है और 10 महीने से किराया नहीं आ रहा है, कई बार बोल चुके हैं पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, तो आज मजबूरन ताला लगाना पड़ा। 12-13 हज़ार रुपये के लगभग बन चुका है। किराए से काय के लिए दिया है, अपनी इनकम के लिए ही दिया है, जब इनकम ही समय पे नहीं मिले तो क्या मतलब। अगले महीने करते 10 महीने हो गए, अब कार्यकर्ताओं को कई बार कह देते पर इनको कहने से क्या होगा, लोग आगे अधिकारी वर्ग सुनेगा तो ही काम होगा। हाँ छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या है, ठीक है अपन देख रहे थे, बाकी अब कब तक। मध्य प्रदेश में लगभग 97,135 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 29,385 किराए के भवनों में संचालित की जा रही हैं। 15 जिलों के 26,000 भवनों को 8 माह से किराया नहीं दिया गया। इन आंगनबाड़ियों से 84,90,000 बच्चे संपूर्ण बाल विकास कार्यक्रम में लाभान्वित होते हैं। 66,36,000 बच्चे पोषण आहार कार्यक्रम में लाभान्वित होते आए हैं। प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी भवनों के किराए पर सालाना लगभग 62 करोड़ खर्च करती है, लेकिन अक्टूबर 2018 से जिलों को पैसा नहीं भेजा गया है। अप्रैल में वित्त विभाग ने 20 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि मई में ओवरड्यू बढ़कर लगभग 45 करोड़ हो गया। मई में महिला बाल विकास विभाग ने किराए के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन इससे आधा बकाया भी नहीं चुकाया जा सका। ग्वालियर जहां से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी आती हैं, किराया पूरा दिया जा चुका है, बाकी जिलों में आधा किराया भी नहीं दिया गया।
स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने स्कूल की घंटी बजाकर स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत करते हुए प्रभुराम चौधरी ने कहा कि पिछले वर्षों में कई स्कूलों के बच्चों ने किसी न किसी कारण से स्कूल छोड़े। सरकार का प्रयास है कि हम अच्छी शिक्षा दे सकें और इधर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। इधर एक स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को फीस न भरने की वजह से स्कूल से ही बाहर कर दिया। स्कूल की घंटी बजाकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। मॉडल स्कूल को सांकेतिक प्राथमिक शाला का रूप दिया गया। प्रभुराम चौधरी ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि स्कूल चलो अभियान का ये दूसरा चरण है। पिछले कई वर्षों में कई स्कूल के कई बच्चे किसी न किसी कारण से स्कूल छोड़ दिए। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम अच्छी शिक्षा दे सके। जहां शिक्षा का स्तर अच्छा होगा वह देश और प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभुराम चौधरी ने आगे कहा कि शिक्षा के साथ साथ अलग अलग गतिविधियों में भी हम आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। नहीं देखिए, ऐसा है, गठबंधन की बात नहीं है। अगर शिक्षा के सुधार के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े दुनिया के किसी कोने में, तो हम हिचकेंगे नहीं। जहां से हमें ज्ञान मिलता है, आप ज्ञान देंगे, आपके घर आएंगे। अगर कोई माता पिता हमें ज्ञान देगा, हम वहां भी पहुंचेंगे। पत्रकार बंधु देंगे, उनसे भी, सभी लोगों से हम मध्य प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता में एक अमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं और एक बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा। इधर सरकार के स्कूल चले अभियान को निजी स्कूलों ने ठेंगा दिखा दिया है। भोपाल के कोटरा स्थित कमला नेहरू स्कूल के प्रबंधन ने फीस ना भर पाने के कारण भाई बहन को स्कूल से निकाल दिया। स्कूल प्रबंधन ने नया सत्र शुरू होने से पहले सेकंड क्लास की बच्ची और आठवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को स्कूल से एडमिशन देने से मना कर दिया। स्कूल ने निकाले जाने वाले बच्चों के परिजन बच्चों के साथ मॉडल स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल चले अभियान का दूसरा पड़ाव की शुरुआत हो चुकी थी। पिता ने प्रभुराम चौधरी से मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई। स्कूल प्रबंधन ने नया सत्र शुरू होने से पहले सेकंड क्लास की और बच्ची और आठवीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को स्कूल से वापस कर दिया। ऐसा लगता है जैसे निजी स्कूलों की मनमानी, फीस और मनचाहे नियम के आगे सरकार बेबस नजर आती है। बच्चों को आज स्कूल में जाने से मना कर दिया गया और कहा गया कि टीसी ले लो आप। पर मैंने उनसे ये कहा कि साहब मैं 5,000-5,000 रुपये करके फीस जमा कर दूंगा जो मेरी पिछली बच्ची हुई है, जबकि मैं उनको एक एप्लीकेशन बना के भी दे चुका हूँ। पर उन्होंने मेरी बात को ना मानते हुए आज मेरे बच्चों को स्कूल से बाहर कर दी। सर मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी नाजुक थी, मैं एक चाय की दुकान चलाता हूँ सर, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी चाय की दुकान चलाएं, जिस कारण जी गर्मी की छुट्टियों की भी फीस लेते हैं सर, 2 महीने की फीस लेते हैं ये और एनुअल चार्जेस हर साल लेते हैं सर। जी कोई मोहलत नहीं, उनने ये कहा मुझसे कि आज अगर आप फीस जमा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बच्चों को घर ले जाइए और टीसी ले जाइए। क्लास के अंदर तो जाने दिए, लेकिन मुझसे ये कहा गया कि आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। मैंने कहा मैं बच्चों को नहीं लेके जाऊँ। दोनों बच्चों के मिला के अब जो भी कुछ हो मेरे को इतना तो इसमें लेट पेमेंट लगभग मैं 8,000-9,000 रुपये लेट पेमेंट दे चुका हूँ इनको। फिर भी मेरे बच्चों को इनने आज अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपको स्कूल भेज देते हैं और स्कूल में आपका शॉर्ट आउट करवा देते हैं और स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवा देते हैं। स्कूल में कमला नेहरू, आज आप स्कूल गए थे तो क्या हुआ? बोल रहे थे कि तुम्हारे पापा को फोन लगाओ और घर जाओ। क्यों घर जाओ? ये नहीं बताया क्यों घर जाओ? आज मैं सेक्शन पूछने गया, मुझे सेक्शन पता नहीं था, तो मैम ने कहा कि तुम्हारे पापा ने फीस जमा नहीं करी है तो तुम क्या बोलते अपने पापा को फोन लगाओ और घर जाओ। क्लास में तो जाने दिया, पापा आए तो फिर आ गया। राजगढ़ जिले में डंपर की टक्कर से कार में आग लग गई। इस कार में लगी आग से कार में सवार थाना प्रभारी अशोक तिवारी की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। कार में आग इतनी तेज थी कि थाना प्रभारी तिवारी बाहर ही नहीं निकल सके। 2 दिन की छुट्टी मनाकर भोपाल से वापस ड्यूटी के लिए लौट रहे लीमा चौहान के थाना प्रभारी अशोक तिवारी की कार को गलत दिशा से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। इसके बाद कार और डंपर दोनों में आग लगने से उनकी कार के अंदर ही जलने से मौत हो गई। यह हादसा कुरावर के पास बोड़ा थाना क्षेत्र के पनवाड़ी और कंडारा कोठरी गांव के बीच हुआ। SDOP NS बैस ने बताया कि टक्कर से डंपर और कार में आग इतनी तेजी से लगी कि थाना प्रभारी तिवारी बाहर ही नहीं निकल पाए। पूरी तरह जलने से उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। सीहोर के श्यामपुर थाने में आरक्षक पद पर पदस्थ उनकी बेटी श्वेता तिवारी देर शाम घटनास्थल पर पहुंची और लॉकेट व चेन के आधार पर शव की शिनाख्त की। SDOP ने बताया कि थाना प्रभारी तिवारी के परिजन भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहते हैं। तिवारी 2 दिन पहले ही अवकाश लेकर घर भोपाल गए थे। रविवार को जब वह वापस ड्यूटी पर थाने लौट रहे थे तभी हादसा हो गया।
पुलिस ने शहर में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले दो स्पा सेंटर का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। दो अलग अलग मसाज पार्लरों पर छापा मारकर दो दर्जन से अधिक लोगों को अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में दो स्पा सेंटर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए दो विदेशी महिलाओं सहित 13 महिलाओं को हिरासत में लिया। शामला हिल्स स्थित अली स्पा फैमिली हेयर सैलून पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जहां 6 महिलाओं के साथ 6 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर में स्पा के नाम पर चकला घर चल रहा था। दो अलग अलग मसाज पार्लर पर छापामार कार्रवाई कर दो दर्जन से अधिक लोगों को अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। में से कुछ रसूखदार भी बताए जा रहे हैं। आईजी योगेश देशमुख ने बताया कि स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत पुलिस को मिली थी, इसके बाद ही यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर संत हिरदाराम नगर में संगीतमय कार्यक्रम रिमझिम के तराने का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुराने गानों सहित बारिश के गीतों ने समा बांध दिया। संत हिरदाराम नगर में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर संगीतमय कार्यक्रम रिमझिम के तराने का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगीत के दीवाने कलाकारों ने बारिश थीम के हिंदी फिल्मी गीतों को अपनी मधुर आवाज में प्रस्तुत किया। बरसात के गानों का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि विश्व संगीत दिवस पहली बार 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया, जब से ही यह परंपरा आज भी जारी है। भारत सहित विश्व के कुल 17 देशों में यह विश्व दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोगों का संगीत के प्रति विश्वास बना रहे। संगीत गुरु बी के जैन ने मार्गदर्शन में कार्यक्रम निदेशक सुरेश बैन की यह 85वीं प्रस्तुति थी। इस अवसर पर समाज सेवी कमलेश रायचंदानी उपस्थित थे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जिन लोगों को कभी गाने का मौका नहीं मिलता, जो लोग बड़े वंचित हैं स्टेज से, अभी स्टेज समारोह में वही रवि किशोर मुकेश है, बहुत अच्छे गाते हैं, वो अच्छे गाते तो क्या हम गाना गाना छोड़ दें? ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी एक भी ख्वाहिश होती है कि वो कभी मंच पर गाने गाए, ऐसे लोगों के लिए हमने प्लेटफॉर्म किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये 2014 में जो हमने प्लेटफॉर्म में पहला प्रोग्राम किया था हैप्पी नाइट December 2014, तो तब से लेकर अब करीब करीब हमारे 85 कार्यक्रम हो चुके हैं। 85 कार्यक्रम में करीब करीब 1000 से ज़्यादा नए सिंगर्स के हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया। हमारा इस मकसद पे किया गया था कि म्यूजिक पे संगीत पे सबका हक है। आज जो सक्षम है वो तो कैसे भी करके म्यूजिक संगीत सीख सकता है, और आदमी बिजी लाइफ में भी अपने आप को व्यस्त रख सकता है, पर म्यूजिक एक ऐसा माध्यम है कि जो आपकी स्ट्रेस भरी लाइफ को नॉर्मल कर देता है, और म्यूजिक जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है वो कहाँ जाए। तो हमने ये सोच से यहाँ पर लाइन सिटी मैरिज गार्डन में हर रविवार को सुबह 10 से 11 बजे तक रखा कि जो भी आयु वर्ग हो, जो भी उम्र हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा बड़ा हो, उसको यहाँ पे म्यूजिक की फ्री शिक्षा दी जाएगी। ना केवल शिक्षा, उसको सिखा के यहाँ पे मंच दिया जाएगा, मंच पे गाना को गवा के उसका प्रोत्साहन किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, ऐसा मजा आ रही है बता रहा हूँ। इंडिया ने पाकिस्तान को 7वीं बार टपका दिया वर्ल्ड कप में, बता रहा हूँ। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था उनके कैप्टन को कि पहले बैटिंग कर लेना, और मैं बता रहा हूँ वहाँ प्राइम मिनिस्टर की कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा तो चल जाए। और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और बारिश हुई नहीं, और मैं बता रहा हूँ आंसू ऐसे आंसू बहाए जा रहे हैं भलेल भलेल। और वहाँ के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा बाहर हैं, वो कहीं कह रहे हैं ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ भैया इतना ज़्यादा तकलीफ है, तो खुद ही आ जाओ फिर से खेलने, संन्यास वापस ले लो अपना, फिर से टीम बना लो। तुम्हारे नए लड़कों में दम नहीं है? हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल हो गई, बता रही हूँ। मैंने जाके फिर बहुत सरप्राइज से बात की, पूछा मैंने कि भैया बता दो असली बात, बता दो क्यों हार गए। तो उसने बोला कि 16 जून को भैया फादर्स डे था, वो हम अपने फादर से कहते जीत सकते हैं, उनको गिफ्ट दे दिया हमने जीत में। हाँ, ये तो चल गया। बिहार में भैया देख लो, ये गर्मी के कारण धारा 144 लगा दी, बताओ ऐसा उत्पात मचा रही है गर्मी वहाँ पे। और वहाँ पे भैया 183 लोग मर गए, बच्चा बच्चे मर रहे हैं बेचारे लू से, ऐसा तो हो रहा है। बताओ गर्मी कैसा कहर ढा सकती है, बता रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ बिहार में भी है ना पेड़ वेड़ लगाओ भैया, बड़ा मुश्किल काम हो रही है आजकल।
और ये खबर देख रहे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इन्हें बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इन्होंने कहा इनके जो महाप्रबंधक है वो सब रेल से यात्रा करेंगे, और रेल से यात्रा करेंगे तो मेरा कहना ये है कि भैया रेल में जाएंगे बैठेंगे तो बाकी समस्या खुद देखने को मिलेंगी, कैसे एक दूसरे के ऊपर लद पद जाके बैठ के जाती हैं लोग, तब तो समझ में आएगा इनको क्या हो रही है देश में, रेलवे में कितने सुधार की ज़रूरत है। और यह खबर ये देख लो, ये PNB घोटाला करके गए जो गए थे ना मेहुल चौकसी, हाँ मेहुल चौकसी एंटीगुआ में ऐश कर रहे हैं जो बैठ के, वो कह रहे हैं मैं आ नहीं पाऊँगा, यहीं आके पूछ लो। और मैं कह रहा हूँ ये PNB का घोटाला कर करके इतना खाली है, इतने चौड़े हो गए हो तो बीमारियाँ तो होंगी, और चुपचाप बता रही हूँ खींच के लाना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ पे। हाँ और मैं बता रही हूँ ये ममता दीदी के चक्कर में पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, बताओ क्या क्या दुर्दशा हो रही है लोगों की, बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, कोई किसी वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का ये वो लगा हुआ है। और मैं बता रही हूँ डॉक्टरों को मारती क्यों यार, उनकी है वो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं भैया, तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए बता रहे हूँ। और वहाँ पे अब स्ट्राइक खत्म होने वाली है शायद, कुछ समझौते मांगे मांगे मान लिए हैं ममता बनर्जी ने, तो उनके पुलिस वाले रहेंगे हर जगह, ये अच्छी बात है डॉक्टरों की भैया, उनकी भी रक्षा करना चाहिए। हाँ और ये भैया ये संसद का बजट सब शुरू हो गया है, और मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी को तो ऐसा याद करते हैं लोग, सुबह से नहीं आए तो वो चिल्ला चौंट हो गई, राहुल गांधी क्यों नहीं आए, राहुल गांधी कितने प्रिय हैं बता रहे राहुल गांधी हैं। और फिर वो 4 बजे आए, फिर उन्होंने शपथ ली। और ये प्रज्ञा भारती हैं, प्रज्ञा साध्वी जी, इनका नाम तो विवादिता होना चाहिए, साध्वी बता रहा हूँ, हज जाम ही जाती विवाद शुरू हो जाते हैं इनका। इन्होंने जो शपथ ग्रहण ली उसमें अपने गुरु जी का नाम ले दिया, ये ले दिया, वो ले दिया, और वहाँ फिर चिल्ला चौंट कर दी लोगों ने कि भैया ये नहीं गुरु जी के नाम नहीं है, वो तो वहाँ पे संविधान के नाम पे समझ लो, ईश्वर के नाम पे समझ लो, फिर उन्होंने चेंज किया, पता नहीं ये तो चल रहा है। और अमेरिका में देखो कितनी खबर है, भारतीय परिवार की हत्या कर दी वहाँ पे किसी ने, सिर्फ फिर ने बता रहे हो, मैं बता रही हूँ वहाँ जाके रहती है क्यों यार, अपने देश इतना बड़ा है प्रगति कर लिया है, यहीं रहो ना, काय को वहाँ मन नहीं जाते हो। और यह खबर देखो अमेरिका से एक अच्छी खबर भी आ रही है कि जब भी युद्ध वगैरह होगा तो अपने को भी है ना हथियार मिल जाएंगे, जो नाटो देश है जिनको है ना जो अधिकार प्राप्त हैं वो अपने को भी मिल गए अब तो। ये मोदी जी का जो भैया है ट्रंप के साथ दोस्ती हो रही है उसका फायदा हो रहा है बता रहे हूँ। और आखिरी खबर ये सुन लो भैया, भोपाल से अच्छी खबर है, कलकत्ता और पटना लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट है तो शुरू होने वाली है, तो भैया टिकट बुक करा लो, घूमो इधर उधर। और मैं भी चला भैया कलकत्ता जा रहा हूँ, जरा दीदी से मिल लूँ, बहुत भुनभुनाती रहती हैं, उनको जरा भोपाल का पानी ले जाके पिलाऊंगा। हाँ तो भैया जय श्री राम, मैं जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।